बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम आज हम बनाएंगे रामपुरी फेमस गुलत्थी की ऑथेंटिक रेसिपी जो चावल की खीर की ऐसी खुशबूदार ऐसी जायकेदार रेसिपी है कि बस खाने वाले खाते ही रह जाएं अगर इसकी ऑथेंटिक रेसिपी आप बनाना जान जाएं जाएंगे तो इसके आगे आपको नॉर्मल चावल की कोई भी खीर नहीं पसंद आने वाली है जाकेदार इतनी जायकेदार इतनी टेस्टी बनती है कि खाने वालों के मुँह से वाह निकलना लाजमी है तो आइए बनाना शुरू करते हैं देखते हैं इस रेसिपी को हमने कैसे बनाना है और रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें तो इसे बनाने की शुरुआत सबसे पहले हमने चावलों को सोख करने से करनी है तो यहाँ पे दो लीटर दूध के हिसाब से हमको लेना है 200 ग्राम चावल यहाँ पे हमने बासमती राइस लिया है जिसमें हल्की खुशबू होती है और इसका ज़ायका भी ज़्यादा अच्छा आता है लेकिन आप नॉर्मल चावल में भी बना सकते हैं आधे घंटे के लिए हमने अच्छे से वाश करने के बाद सो करने रह दिया था अब इसे बगैर पानी के हमने मोटा मोटा दरदरा सा पीस लेना है तो यहाँ पे बगैर पानी के हमने इस तरह से थोड़ा दरदरा मोटा मोटा सा पीस लिया है पानी डाल के अगर आप पीसेंगे तो इसका पेस्ट सा बन जाएगा इसलिए बगैर पानी के हमने इस तरह से ग्राइंडर घुमा के थोड़ा दरदरा पीसना है और अब एक भारी तले के पॉट में हमने दो लीटर दूध लेना है और बीच बीच में चलाते हुए इसमें अच्छा सा एक बॉयल आ जाने देंगे इसके बाद जब इसमें अच्छा सा एक बॉयल आ जाएगा जब इसमें हमने चावल को ऐड कर देना है इसके बाद मीडियम हीट पर लगातार चलाते हुए हमने इसे पाँच से छः मिनट के लिए पकाना है ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे जब चावल अच्छे से पक जाए इसका कच्चापन दूर हो जाए फिर स्लो हीट पर इसे हमने बीच बीच में चलाते हुए कुछ कुछ देर में चलाते हुए बीस से पच्चीस मिनट के लिए पकाना है तो यहाँ पे देखिए 20 से 25 मिनट पक जाने के बाद देखिए ये अच्छे सा थिक सा हो गया है और इसमें हल्के हल्के से इस तरह से बबल्स आ रहे हैं तो ये एक पहचान है कि खीर बहुत ही अच्छी तरह से पक चुकी है काफ़ी देर तक तो इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर और खोया तो यहाँ पर ये नारियल का बुरादा जो है ये हमने क्वार्टर कप लिया है और एक कप करीब हमने करीब दो ग्राम ढाई ग्राम के करीब खोया लिया है और इसे भी ऐड करके हमने इसे करीब दस मिनट के लिए स्लो हीट पर पकाना है ताकि खोया वगैरह अच्छी तरह से खीर में घुल जाए और इसके साथ ही इसमें हमने वन टीस्पून इलायची पाउडर और एक कप के करीब यानी 200 से 250 ग्राम के करीब इसमें हमने शुगर ऐड कर देना है शुगर यहाँ पे आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं और आठ से दस मिनट के लिए अब इसे हमने और पकाना है मीडियम हीट पे ताकि खोया वग़ैरह अच्छी तरह से घुल जाए तो अच्छी तरह से खोया वग़ैरह जब खुल जाए इसके बाद ऊपर से हम कुछ ऐसेन्स ऐड करेंगे खुशबू के लिए तो यहाँ पे वन टीस्पून हमने रोज़ वाटर ऐड कर दिया और वन पिंच एकदम थोड़ा सा इसमें हमने जाफ़रानी फूड कलर यानी येलो कलर ऐड कर देना है और हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे ज़ाफ़रानी एसेंस ताकि इसमें और भी अच्छी ज़रान की खुशबू आए और इसके बाद इसे अच्छी तरह से मिला देंगे यहाँ पे कलर वगैरह अच्छी तरह इसमें घुल जाए तो हम इसे तीन चार मिनट और पका लेंगे और अब एक अलग पैन में हमने यहाँ पे 100 से 150 ग्राम देसी घी मीडियम सा गरम कर लेना है इसमें हमने 50-50 ग्राम काजू बादाम कटे हुए और 25 ग्राम चिरौंजी या थोड़ी सी किशमिश ऐड करके हल्का सा खुशबू आने तक हल्का सा फ्राई कर लेना है तो हल्के से ड्राई फ्रूट फ्राई हो गए हैं अच्छी सी खुशबू आने लगी है इसमें से आधे ड्राई फ्रूट हमने गार्निशिंग के लिए अलग कर लेना है और बचे हुए आधे ड्राई फ्रूट के साथ देसी घी को हमने इस तरह से खीर में ऐड कर देना है और अब अच्छी तरह से मिला देंगे यहाँ पे खीर कम्पलीटली डन है और ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सौंधी सौधी सी इसमें खुशबू आ रही है क्योंकि ये काफ़ी देर तक पकी है और इसके बबल बताते हैं इस तरह से जो हल्के हल्के से बबल उठते हैं ये बताते हैं कि खीर बहुत ही अच्छी तरह से बहुत ही काफ़ी टाइम तक पकी है जिससे ये बहुत ही जायकेदार बन तैयार होती है तो ऑथेंटिकली इस रेसिपी को पकाने में काफ़ी टाइम लगता है तभी इसमें बहुत ही अच्छा सा जायका आता है और बहुत ही टेस्टी बहुत ही सौंधी खुशबूदार खीर बन के तैयार होती है तो गुल्थी की ये ऑथेंटिक रेसिपी है आप भी इस तरीके से तैयार कीजिए और इन्जॉय कीजिए तो रामपुर की ये मोस्ट पॉपुलर रेसिपी है आपने अक्सर शादी वगैरह में ये खीर खाई होगी और आप, आप आसानी से इसे घर में बना सकते हैं मेरे बताए हुए तरीके से आप ज़रूर बनाएं अपना फीडबैक दें रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दें चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें ताकि आने वाले रेसिपीज़ की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे तो अपना ख्याल रखें दुआओं में याद रखें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़